इस गुरु पूर्णिमा में परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी जिनकी असीम कृपा इस तरह बनी कि स्वयं कैलाश घर पर निवास करने वाले, स्मशान में आनंद पाने वाले और सारे महाविद्याओं के ज्ञाता, विद्या प्राप्त करने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, सिद्धियां प्रदान करने वाले ऐसे प्रभु सद्गुरुदेव जिनकी कृपा तले आज हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा उन सारे लोगों को लेकर विशेष रूप से करके आए जहां काठमांडू नेपाल की यात्रा करने वालों ने भी यही कहा कि गुरुजी आज तक हमने किसी को कुछ ना होते हुए, कोई खरोंच ना आते हुए भी आप यात्रियों को सकुशल यहां लेके आए, ये एक यात्रा की विशेषता है। और यात्रा से सकुशल लौटने के बाद मैं जैसा ही घर आया तो पता चला कि हमारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बोधन जाना पड़ा जहां हमारी चाची रहती है। संयोग ऐसा आया कि इस पूरे वर्ष में ज्यादा पाला पड़ा स्मशान से, चाहे वो कैलाश शिखर पर रहने वाले शिव जी हो या माता काली का हो। इस बार भी मैंने नवरात्रि में स्मशान वासिनी माता काली का ही साधना की थी और आपको भी मैंने यही बात कही कि पाशुपतास्त्र प्रयोग हो या मुंडमाला दक्षिणकारी का प्रयोग हो, ये दोनों प्रयोग भी वह सिद्ध प्रयोग है जिसका प्रयोग अचूक होता है, वो कभी पलट के आता ही नहीं। जिसने ये प्रयोग किया और उसकी उसको कार्य सिद्ध नहीं हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता। तब दत्तु भैया ने कहा कि ये ऐसे तो पाशुपतास्त्र प्रयोग हो या फिर मुंडमाला प्रयोग हो, ये सारे गृहस्थ लोग हैं तो इनको ये प्रयोग अभी ना दे भी तो ठीक हो सकता है। मैंने कहा ऐसा नहीं, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने पशुपतास्त्र का प्रयोग सीखा था धौम्य महामुनि के पुत्र उपमन्यु से। तो आप लोग ये भी पूछेंगे कि भगवान कृष्ण को पशुपतास्त्र की क्या जरूरत पड़ी। अभी हमारे आपको तो पता है मेरे साथ कभी भी वेंकटाचार्य मेरे साथ रहते हैं, उनका कल से एक ही डाउट पड़ा हुआ है, गुरुजी आपकी चाची चली गई है फिर आप शिष्यों को कैसा। बोलो गुरु को यह धर्म होता है, गुरु धर्महीन होता है या शास्त्रहीन होता है, यही ना। अपने शिष्यों के लिए धर्म शास्त्र सब लाज लज्जा उसको छोड़नी पड़ती है चाहे वो शास्त्र भी क्यों ना हो। ऐसा ही हुआ था कार्य जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था और कौरव एक एक करके मर रहे थे तो कौरवों के मरने के बाद पांडवों को तो सुतक होता ही है, उनके भाई भाई सुदर्शन अपने ये सारे जितने भी कौरव थे दुर्योधन हो वो सारे हो भगवान कृष्ण को पूछना पड़ा। पांडवों ने कहा ये हमारे रिश्तेदार पूरे मर रहे हैं, भगवान कृष्ण आप किसके घर में खाते हैं, आप तो युद्धभूमि में हमारा रथ चला रहे हैं, आपको कोई छुआछूत है या नहीं, आपको कोई छूता है नहीं, छूना चाहिए फिर आप खाना कैसा खाएंगे। कभी आपने विचार किया ऐसा हुआ है? दुर्योधन तो मर गया था, भीष्म मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, ये सारे रिश्तेदार थे और कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तो उनको सतर्क था या नहीं था? था, अर्जुन को तो सतर्क था, उनके चचेरे भाई सब मर गए थे और कृष्ण उनका रथ चला रहे थे,
तो आई बात कहाँ की कि भगवान कृष्ण तुम खाना कहाँ खाएंगे, अब रथ तो चला गया स्नान करके तो शुद्धि हो जाएगी आपकी, खाना कहाँ खाएंगे। पांडव पांडवों का खाना और कौरव कौरवों का खाना एक ही जगह बनता था, युद्ध तो सुबह से शाम तक तो दोनों करते थे लेकिन खाना एक ही जगह पकता था। आई बात कृष्ण की कि अब खाना कहाँ खाए, सो तक ये दोनों भी तो इन्हों मार गए थे। फिर कृष्ण भगवान को जाकर उन्होंने पूछा कि कहाँ खाएंगे, कृष्ण ने कहा मैं आप ही के साथ खाऊंगा। तो पांडवों ने और कौरवों ने कहा फिर हम तो सुतक में हैं, हमारे तो रिश्तेदार मरे जा रहे हैं, हमारे साथ तुम खाएंगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो उन्होंने अपनी अपना विश्वरूप बताते हुए कहा अर्जुन ने मुझे, अर्जुन को मैंने दिव्य दृष्टि प्रदान करके जो विश्वरूप दिखाया है ये सारी चीज रोज मरने वाले मेरे में मेरे अंदर ही समाये हुए हैं, मैं इन सबसे अतीत हूँ और गुरु अपने शिक्षण के लिए अतीत होता है। वो अपने बंधु बांधव मरने जीने इन वालों को सभी को छोड़ देता है। आज चाहे मुझे याद भी कर रहे होंगे घर में माता पिता के साथ सभी लोग ये कह रहे होंगे कि क्या हुआ बेटा नहीं आया अभी, लेकिन कर्तव्य शिष्यों का भी तो होता है, उनको तो वहां से छोड़ के किसी भी तरह उनको सभी लोग देख लेंगे लेकिन इनके लिए तो यहाँ रहना पड़ता है। और मैंने वेंकटाचार्य से यही बात कही कि ये युद्ध चल रहा है कौरव पांडवों का और उसमें सुतक नाम की चीज कृष्ण भगवान को भी आई थी और मुझे भी आई है, मैं जरूर मेरे शिष्यों के पक्ष में ही बैठूंगा और शिष्यों के पक्ष में ही बैठा हुआ। अब बात रही कि इस बार के गुरु पूर्णिमा की, आप सभी को अगर याद है तो मैंने गत वर्ष एक बात कही थी आपको, मैं अगली गुरु पूर्णिमा को आपको कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजूंगा, जो मेरे हैं वो जरूर आएंगे। ये बात अगर यहां बैठे हुए हैं सब लोग हैं तो मैं सभी को याद होगी। और मैंने कहते हुए मैं नहीं कहते हुए प्रकृति ने वही कार्य किया, कैलाश की मानसरोवर यात्रा के बाद अब तो मैं समझता हूँ कितने इन लोगों में कितने लोगों को कार्ड मिला है या कार्ड नहीं मिला, जबकि मैंने कहा कि कार्ड छपने की कोई जरूरत नहीं, आने वाले मेरे लोग आएंगे, मैंने वही वचन दिया था। और आप पास देख रहे हैं कि मैं ये मेरे हैं जो अभी आए हैं बिना कार्ड के बिना इन्विटेशन के, और इन मेरे लोगों के लिए मुझे जरूर कहना रहना पड़ता है, जो मेरे हैं उनके लिए मेरा जीवन देना ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अभी रही बात इस संसार की कि संसार में आना जाना तो सभी को बना हुआ है, ये सारे मल विधियां या हम जिस चीज को मानते हैं कि हम, अगर कल मैंने एक प्रश्न हमारे शेषु शर्मा से भी किया, उन्होंने भी ब्राह्मण हैं साधारणतः ये बात हर एक में उपजती है कि गुरुजी चाची मरने के बाद आप इन शिष्यों के साथ कैसा, मैं बोला मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो काली माँ शमशान में रहती है और मुंड माला पहनती है, वो तो शव को साथ में साथ लेके घूमती है, उसके साथ बैठा हुआ मैं पूजा करने वाला काली साधक, मुझे कोई मैल वगैरह नहीं देखता, मुझे सुतक नहीं लगता क्योंकि मैं सुतक के साथ ही बैठा हूँ, जिसके साथ सुता हुआ हो वो सुतक कहलाता है, जो काली की साधना करने वाला है उसको कोई मैल नहीं रहता क्योंकि वह स्वयं शमशानालय वासी नीम कहा गया है उसे, और हम शमशान में रहने वाले उस देवी की पूजा करते हैं, फिर हमें उस चीज का लेना देना कैसा। इस प्रकार मैं आपको ये बात यही बतलाना चाहता था, गुरु जी को भी मैंने एक बार पूछी थी, मैं 11 दिन के लिए गया था और गुरु जी को रिश्तेदार गए थे, मैं 11 दिन दिल्ली में रहता दिल्ली में ही रहा और बाद में गुरु जी जोधपुर से पूछने के बाद मैं गुरु जी के पास पहुंचा, तो गुरु जी कह रहे जोशी हमारे कोई रिश्तेदार गुजर गए थे इसलिए मुझे नहीं आना हुआ, 3-4 दिन लेट हो गया। तो मैं बैठा गुरु जी के चरण छू रहा था, तो मैंने गुरु जी के चरण छूने के बाद माता जी बाद में बाजू में बैठी थी, वो चरण छू रहा है, माता जी ने कहा छूने दे, बोले नहीं नहीं अपने को वो अपने रिश्तेदार गए सुतक है, अरे सुतक मेरे को कहाँ का सुतक, मेरे गुरु और शिष्य में सुतक नहीं होता, हमारा दोनों का संबंध अलग होता है, रिश्तेदारों में सुतक की बात रिश्तेदारों में होती है और हम रिश्तेदार नहीं रिश्तेदारों से ऊपर है। यही बात हमारे वेंकटाचार्य ने कैलाश पर्वत में पूछी थी कि गुरु जी आपके यहाँ बहुत बंधुगण है, मैंने कहा मेरे यहाँ बंधुगण नहीं है, यहाँ मेरे आत्मीय है। उसने पूछा बंधुगण और आत्मीय में क्या होता है, जो बंधनों में रखते हैं उसे बंधुगण कहते हैं बंधु कहते हैं, और आत्मीय होंगे जो बंधन से मुक्त होते हैं उसे आत्मीय कहते हैं, जो आत्मा से रखते हैं उनको कोई सुतक नहीं होता। तो हम आत्मीय हैं, हम बंधु नहीं हैं। तो इन चीजों को हम लक्ष्य रखते हुए आप इस बात की चिंता ना करें
कि मैं गुरु पूर्णिमा में आपसे दूर हूं या दूर बैठा हूं। मैं इसलिए आपसे दूर बैठा हूं कि आपको उस दिव्य मंत्र और उस दिव्य विधान को बताने जा रहा हूं जो संसार में शिष्य के लिए बहुत जरूरी है। कैलाश मानस सरोवर की यात्रा से पहले मैंने उन सभी शिष्यों को यहां से मंत्रपूत करते हुए लेकर निकला था और मंत्रपूत करते हुए वहां से लेके आया। सभी लोगों ने पूछा कैलाश पर्वत करते समय, यहां आपको अपना अपना अनुभव सब लोग बदलाएंगे, कि किसी को दम चढ़ गया, किसी को सर दर्द आ गया, किसी को उल्टियां आने लगी, किसी को कुछ होने लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको कहा है कि तुम यह मंत्र करते हुए चलो, तुम्हें वेताल आगे लेते हुए चला जाएगा। और ये सब लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हुए 52 लोग परिक्रमा करते हुए आए और 92 लोग वहां जाकर आए, किसी को कुछ न हुआ। या आने के बाद पता चला तो उन सभी लोगों ने आज भी बंबई वाले और पुणे वाले बोलते हैं, गुरु जी वो आपने जो आपके शिष्यों को मंत्र दिया है ना, उधर हमारे को बोलो, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा जा रहे हैं। मेरे हूं मंत्र सबको देने वाला नहीं होता, पहले आप शिष्य बनने की प्रक्रिया करो। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आज भी मंत्र में शक्ति है। हमने बात की, हमारे बाद भी लोग गए और मैंने सुना उस मानसरोवर जाने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करके दोनों तीनों वापस आ गए और 2-4 लोग 25 लोग तक गए और वो लोग जाते जाते 20 से वापस आए। ऐसा ऐसे बहुत सारे दृष्टांत इतने में हुए, पहले की तो बात अलग ही। और मैंने एक बात कही, मेरे शिष्यों में मैंने केवल 92 लोगों को ही लेके गया, आने वाले फिर सत्र में 100 लोगों को लेके जाऊंगा। और आज मानसरोवर तक ले गया, अब मानसरोवर से और 100 किलोमीटर आगे जाऊंगा और उसके 200 किलोमीटर के बाद ही सिद्धाश्रम है। अब तीसरी बारे में 200 किलोमीटर जाने की प्रक्रिया जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है और गुरु जी ने मेरे को भी वचन दिया है कि मेरे सारे शिष्य सिद्धाश्रम पहुंचेंगे। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना है, प्रयत्न हमारा है, हम प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम वो हमें आगे बढ़कर बुला लेते हैं, ये गुरु जी का कथन है। तो हमें आगे बढ़ना है और इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में जाते जाते हमने देखा कि सभी लोगों ने ये पूछा, बाद में भी आने के बाद यहाँ एक टीम गई, हम्पी के जगत गुरु शंकराचार्य की टीम गई। तो उन्होंने कहा, जोशी तू कहते हैं कि 92 लोगों को लेके गया और सभी को ठीक लगते चले गए, हम 25 लोग गए और हम वापस आ गए। मैं बोला, आप जगत गुरु शंकराचार्य है, क्या बात कर रहे हैं, हम मामूली आदमी, मैं गुरु जी से गृहस्थ आदमी, पैंट शर्ट लेके डालने वाला, आप संन्यास और बहुत बड़े इसके जाने वाले। नहीं नहीं, हम बोले हम बीच में चले गए, हमारे साथ जो गए थे बहुत परेशान हुए थे। मैं परेशान नहीं हुआ, मेरे साथ के लोग परेशान हुए। मैं बोला, मेरे साथ गए थे, मेरे साथ वाले भी परेशान नहीं हुए, मैं भी परेशान हुआ, परेशान हुए भी तो लेके आया हूँ। तो बोले, अरे नहीं, तू तांत्रिक है, हम वैदिक है। बोले, मैं बोला, वैदिक तांत्रिक कुछ भी हो, डॉक्टर को दवाई से मतलब, तू कौन सा आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है उसकी जरूरत नहीं, दवाई हो तो वहां वैदिक और तांत्रिक को लेके क्या करना है। हमारे शिशु शर्मा भी हमारे साथ है, वैदिक है, हम तांत्रिक है, बोलो हमारे तांत्रिक बोलो, मांत्रिक बोलो और कुछ भी बोलो, हम है जो भी, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो लोगों को हम खुशहाली से लेके जाते हैं, खुशहाली से लेके आते हैं। हम वैदिक होना जरूरी नहीं है, पुण्य का काम नहीं है, हमारा अपना अपना काम है। हमारे तुम्हें हम प्यार करने वाले गुरु जी इसी कहते थे, कृष्ण गुरु जी ने भी कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा, तुम जिस तरह मुझे देखोगे मैं उस तरह तुम्हें तांत्रिक के रूप में देखूंगा, देखोगे मैं तांत्रिक हूँ, मनुष्य भाई के रूप में देखोगे भाई हूँ, पिता के रूप में देखोगे पिता हूँ और मित्र के रूप में देखोगे मित्र हूँ। आपको किसी भी रूप में मैं सहायता करूंगा और ये भी देखो दुश्मन के रूप में देखोगे तो दुश्मन भी हूँ आपसे जबरदस्त। अब बात ये आई दुश्मन की बात, तो वो भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो कुछ लोगों ने अपनी दुश्मनी साधने के लिए अपना कार्य अपना जाल बिछा दिया था और जाल बिछाया और कहा कि अनिल कुमार जोशी को कुछ न कुछ तो बदनाम तो करेंगे, वो बहुत पैसे वाला है, आश्रम चल कैसा रहा है इसका, किसी के पास से पैसे नहीं लेता, आश्रम कैसा चल रहा है और 92 लोगों को ले जा रहा है, 1 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर ले जाए तो 92 लाख रुपए होते हैं। आखिर 92 लाख रुपए लोग दे रहे हैं, ये लेके जा रहा है। तो प्रश्न एक के बाद आते गए, दिल्ली पहुंचा, वहां भी हो गई, यहाँ भी हो गई, सभी ने पूछा, सभी को प्रश्न ये नहीं कि अनिल कुमार जोशी तू कोई साधना कर रहा है या सिद्ध है या तो साधना की सिद्धि है, ये बात नहीं पूछते, तेरे को पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे ये बात पूछते, कम से कम विद्या और ज्ञान की बात पूछते या टीवी में डालते तो बहुत खुश होता था। पैसों के बारे में पूछते हुए तुम डालते हैं कि पैसे वाला है, तो तुम्हें अगर राज की बात बताऊं तो तुम उस बात तक पहुंच नहीं सकते। सच्ची बात तो क्या है, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी जिन्होंने ये भी टीवी में डाला है, वो या जो कोई उनको मैंने एक बार उस टीवी के बाद एक प्रश्न पूछा,
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अनिल कुमार ब्लैक मनी को व्हाइट करते हुए आश्रम चला रहा है, सही बात है, वो किसी को कष्ट नहीं देता, ब्लैक मनी व्हाइट कर रहा है, उसके पास धंधा है, सब है, मैं ये बात मानता हूँ। अब ये बात बता दो कि तारा महाविद्या है और तारा महाविद्या जिसको सिद्ध है उसके रोज सर के नीचे 3 तोला 5 तोला स्वर्ण रखती है तारा, ये ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी? अगर ये ब्लैक मनी है तो व्हाइट करने के लिए जरूर करना है, आप ही की सिद्धि है दी हुई, नहीं तो कह दो कि तारा विद्या के पास ब्लैक मनी नहीं। आप स्वर्णावती सिद्धि कहते हो, स्वर्ण रोज आके स्वर्णावती अप्सरा अगर सिद्धि देती है तो अगर जोशी को सिद्धि होगी तो स्वर्णावती चला रहा होगा, वो ब्लैक मनी है व्हाइट मनी है? तो आप या तो मान लो कि मैं ज्ञान में सिद्ध हूँ, या तो मान लो कि ब्लैक मनी व्हाइट करता हूँ, तो मैं किसी भी तरह सिद्ध हूँ, आप पैसे लेके करते हो, मैं बिना पैसे के करता हूँ, मेरे पास सिद्धियां हैं और मैं ये प्रूव करके बता सकता हूँ आपको। अब आप मेरे को ब्लैक मनी और व्हाइट मनी करने से क्या मेरे शिष्यों की कमी हो गई आने में, या मेरे लोग आने से, अगर आप नहीं आने से मैं जीना बंद कर दिया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आप चाहते थे कि मैं ना आऊं, इसका कुछ ऐसा हो बुरा हो। अरे बुरा क्या होगा, तुमने मुझे प्रचार करके मेरी कमी नहीं की, मेरे शिष्यों में तो ये बात बन गई कि मैं हमारे गुरु के पास सिद्धियां तो कम से कम है, वो ब्लैक मनी तो बना सकते हैं। अब आप बोलो, आप बना के देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आप तो हर कुछ भी कार्य करो, आप पैसे गुरुचार्य से लेकर दीक्षा से लेकर पैसे लेते हुए चलाते हो, हम बिना दीक्षा लेते यहाँ आते हैं तो खाना फ्री खा के जाते हैं, आपको यही प्रश्न है, यहाँ के लेते पास जोशी फ्री खाना खा के जाते हैं, फ्री रखता है उनको, साधना है फ्री देता है, ये फ्री होता कैसा है? मैं बोला होता कैसा है, आप देखो फ्री कैसा होता है हमारे पास। अब आप ही एक ही बात में आप बता सकते हो गुरुजी, या तो पैसा बिना खर्च करे वो तो खाना खाते नहीं, कोई पैसा आगे देता नहीं, या खाना खाते हुए कोई पैसा दिया है आप जान सकते हैं, नहीं देता, साधना नहीं करते, शिविर को बुला लेता है, तू ही टेंट डालता है, टेंट के पैसे नहीं लेता, और उनके पास शिविर शुल्क नहीं लेता, उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं लेता, फिर शिविर चलता कैसा है, हमको क्यों नहीं चलता? मैं समझता हूँ गुरुजी, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहिए, मैं सिद्ध हूँ, आप सिद्ध नहीं। अब बात तो वहीं आती, अगर झगड़े की बात आ गई, मैं इसी के बाद दुश्मनी की बात बोलते, मैं यही कह रहा था कि मैं आप महान हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन आप जिस स्तर पर आपने मुझे अपमानित करने के लिए देखा, उस स्तर का मैं जवाब आज दे रहा हूं कि मैं आज भी मेरे शिष्यों के प्रति मेरा यही कर्तव्य है कि मैंने गुरु से सिर्फ यही मांगा था कि गुरु जी मैंने कष्ट अनुभव किया है, एक एक शिविर शुल्क में मैं 10, 11, 12 लोगों को ले जाता था तो उनको शिविर शुल्क भरना, उनके दीक्षाओं के लिए पैसे देना तो लोगों के पास नहीं होते थे, मेरे पास के पैसे देके उनको दीक्षाएं करवाता था। तो मैं ये चाहता था कि ऐसा काम मेरे आने वाली पीढ़ी को ना हो, कम से कम वो छोटे घरों में रहते हैं उनको साधना के लिए स्थल हो, वो साधना कर सके, और ऐसी साधना उनको कभी खाने की चिंता, कभी पीने की चिंता, कभी बीवी बच्चों की चिंता ना हो, जहां आके साधना के लिए बैठे, ऐसा साधना स्थल मैं बनाना चाहता हूं गुरुदेव, और मैंने ऐसे साधना स्थल बनाया, लेकिन यह भी लोगों को नहीं पाया कि यह बहुत कीर्तिवान होते जा रहा है, यशवान होते जा रहा है, यह नागपुर तक ही पहुंचा था, यह बिहार में भी पहुंच गया है, अगर ऐसा हो तो पूरा भारत हो जाएगा, गुजरात हो गया, इसका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सारी जगह घूमते रहा तो हम कहां के रहेंगे। पहली बात, इस टीवी में आने से पहली बात ये हुई कि गया का शिविर अनाउंस हो गया, और गया के शिविर में वहां साधकों ने, अगर यहाँ कोई आए हैं गया से तो उनको पता है कि उन्होंने पहला विरोध किया कि जोशी गया को नहीं आना चाहिए, और वो भी थे सुरेंद्र, यहाँ आपके सामने सुरेंद्र और ये हैं, आपको पास खड़े हैं, कितना सुरेंद्र खड़े रहो कि कितना उनको पूछो कि कितना झेलना पड़ा जहां गया में हमें करने के लिए, और सिर्फ उसी के लिए कि मैं गया में शिविर करूं तो मैं आगे बढ़ते हुए हिंदी फील्ड में भी चला जा रहा हूं, हिंदी के क्षेत्र में चला जा रहा हूं और आगे बढ़ेगा, और इसको नहीं बढ़ने देना चाहिए, केवल इस दिल में रखते हुए जो कार्य हुआ है वो आपके सामने है, मैं को इसके लिए चिंता नहीं है कि जो मेरे अपने हैं जो वो जरूर मेरे साथ आएंगे, और जो मेरे अपने नहीं है मैं कितना भी उनको मस्का भी लगाऊं वो नहीं आएंगे, और मैं चाहता भी नहीं। मैं आपको इस बात को इसलिए क्लियर करना चाह रहा था कि आपके दिल में भी संशय होगा, आपके मेरे आप मेरे होने के कारण चार लोग आपको भी पूछेंगे कि क्या तुम्हारे गुरु के बारे में ऐसा आया, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हैं हमारे गुरु जी के पास निधि की सिद्धि है, वो खजाना भी निकाल सकते हैं, वो ब्लैक मनी को व्हाइट भी कर सकते हैं, वो स्वर्णावती सिद्धि भी है, तारा सिद्धि भी है। अभी मैं पूरे इसके साथ कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करके कर और टीवी में भी डाल सकते हैं, सिद्ध हूँ तो हूँ और नहीं हो तो ना हो, आप ब्लैक को व्हाइट जो भी बोल लेना है, आप बिना कैसेट के साथ डाल सकते हैं पूरी करके।
अब उनको तो ब्लैक मनी का रहेगा ही नहीं ना कि अब जो बोलना है। इसलिए मैं, क्योंकि आप मेरे हैं, कभी आपको प्रश्न हुआ तो आप इसका जवाब दे सकने के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। अब आगे रही बात यही कि भगवान कृष्ण के बारे में बता रहा था, जैसा मैं कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए गए और कैलाश पर्वत की यात्रा करते समय हमने छोटा सा वहां निखिल मंदिर, निखिल धाम भी बनाया, और अगली बार जब जाएंगे सतपुते जी से, जिनका श्वास रुकता है आने के लिए, लेकिन मैं तो जरूर खदेड़ते हुए ले जाऊंगा, कैसा भी जो जो इस बार नहीं आए वो लोगों को सभी को, क्योंकि अब पत्थर का मंदिर बना उसको पूरी तरीके से अच्छे से सीमेंट के मंदिर बनाना है, और इन लोगों को ले जाने के बाद ही मंदिर होता है, तो दूसरी बार जरूर ले जाऊंगा जो अभी इस बार नहीं आए हैं, जो आए हैं उन लोगों को नहीं, दूसरी बार दूसरे वालों को जरूर ले जाऊंगा और आगे का निखिल मंदिर जरूर बनाऊंगा। बात मैं ये कह रहा था कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण भी आए थे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी तो 17 बार परिक्रमा कर चुके थे अपनी यात्रा सभी लोगों को लेकर। 17 बार में हम इतने लोगों को लेकर पहली बार यात्रा के लिए गए और यात्रा करके सफलतापूर्वक लौटे। तो मुझे यही प्रश्न उठा कि उस कैलाश पर्वत के पास जहाँ नंदीश्वर है, जहाँ गौरी पर्वत है, कैलाश पर्वत देखा जाए तो वहां अपने को देखने के बाद, जो मानसरोवर देखने के बाद जो इच्छा हुई, मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे गुरु आत्मीय वहां खड़े हुए हैं और मुझे बुला रहे हैं, देख उसको कितने कष्ट देने के बाद भी आज वो लेकर पहुंचा है, तुमने जो कहा था कि वो जोशी नहीं आ सकेगा, हम कैलाश पर्वत उसे नहीं आने देंगे, वो लेके आया है, आज से वो मेरा है, उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकेंगे, आज तक आपने कष्ट पहुंचाया उसको, मैंने देखता रहा। सभी लोगों को ये भी प्रश्न होता है कि गुरु जी आपको कष्ट क्यों हुआ। मैं अगर इस जगह दूसरा होता तो उसके 13-12 गिन देता था, लेकिन वहां मेरे गुरु परंपरा के लोग थे इसलिए गिनने में नहीं, सिर्फ उनको मौनता से जवाब देना चाहता हूं कि मैं सक्षम हूं, मैं जरूर बयानों लोगों को ले जाऊंगा, चाहे आप कुछ भी करो। कैलाश मानस सरोवर ले जाने की जैसे कल्पना करा, तब से लेकर आज जब तक गया तब तक हर क्षण मुझे टॉर्चर हुआ, हर क्षण लोगों ने मुझे सताया जितना सताना था, मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। लेकिन उन सभी को तोड़ते हुए जब मैं मानस सरोवर को देखते हुए कैलाश शिखर को देखा, तभी मुझे लगा कि मेरे गुरुजी दोनों हाथ फैला कर कह रहे हैं कि देख मेरा जोशी आ गया, सभी लोग कर, तुमने चाहे कितना भी कष्ट पहुंचाया हो, अगर आप कैसेट देखेंगे तो मेरे जिंदगी में, चाहे आज मेरे बंधु भी गए या मेरे और बांधवगण भी, मेरे कभी आंखों से आंसू नहीं आए, चाहे लोगों ने कितना भी कष्ट दिया हो, कभी मैं रोया नहीं। लेकिन उस दिन अगर आप कैसे देखेंगे तो पता चलेगा, जो मेरे साथ आए थे और लोगों को भी पता है, मैं मेरे आंसुओं को रोक नहीं सका, क्योंकि मुझे लगा मैं मेरे उस स्थल पर आया हूं जहां मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, और मैं आप सभी लोगों को उसी आनंद के साथ वहां ले जाना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है कि मैंने गुरु जी को वचन दिया है और वह वचन, उस वचन को पूरा करने के लिए सभी को ले जाऊंगा। हम कैलाश पर्वत को सभी लोग जाके आए, जहां भावना होती है वहीं हम सब कुछ प्रार्थना, भावना, भक्ति, और हम इस संसार में भाषित होना है, यानी मालूम होना। ये भ शब्द का, भकार का शब्द जो है, इससे ही भस्म शब्द की उत्पत्ति है। इस भकारों में समता रखने वाला, भूमि, भू, भस, भोस्वा, और भाषित होना, भाव और भक्ति और भजन, इन सभी में एक तरह के समभाव रखने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है, और उसे ही भस्म कहा गया है। हम किसी को, कोई आदमी, एक श्रेष्ठ आदमी मर जाए तो उसे विभूति कहते हैं, फलानी विभूति का आज देहांत हो गया। विभूति का मतलब होता है वो इस संसार की भूमि से निरंतर इस भूमि में एक श्रेष्ठता बनकर रहने वाला, उस भकार का अर्थ होता है भस्म, उस भस्म को रचने वाला या उस भस्म को लगाने वाला, वो कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है। और जिस भस्म के लिए, तब श्री कृष्ण, मैं आपको यही बता रहा था कि मुझे जब गुरु जी ने बताया कि मैं 17 बार कैलाश पर्वत को गया हूं, और वहां के लोगों ने भी कहा जो 13 बार कैलाश की परिक्रमा करते हैं उसको 14वीं बार अंतर परिक्रमा करने की, जहां से सिद्धाश्रम जाने का मार्ग है, उस मार्ग जाने का सुगम होता है, और वहां से सिद्धाश्रम को पहुंचते हैं जो 13 बार प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे तो गुरु जी ने 17 बार प्रदक्षिणा की थी, मैंने फिर भी यह चाहा कि गुरु जी कैलाश और मानस सरोवर की यात्रा करने में हम क्या पा सकते हैं, क्या हमने देखा है। तो गुरुजी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए एक जगह लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण धौम्य मुनि के पुत्र उपमन्यु के पास गए, और उनको सत्यभामा की तरफ से पुत्र नहीं हो रहा था, अनिरुद्ध पुत्र था रुक्मिणी माता की तरफ से, और सत्यभामा की तरफ से पुत्र नहीं हो रहा था।
तो उन्होंने धौम्य मुनि के आश्रम में गए और उनको पूछा कि सत्यभामा चाहती है कि उन्हें पुत्र हो। आप अभी पूछेंगे कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे, फिर ये बात क्यों। सत्यभामा पूर्व जन्म की पृथ्वी कहलाती है, भूमि कहलाती है, और उनको शिव और विष्णु में भेद नहीं है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यभामा ने जब कृष्ण से प्रार्थना की तो कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, इसके लिए तो मुझे शिव जी की शरण जाना होगा, वो मेरे गुरु है, पुत्र होने के लिए उनकी शरण जाना होगा। और वे धौम्य मुनि के आश्रम में उपमन्यु के पास, उपमन्यु उनका पुत्र था, उनके आश्रम गए। वो कैलाश पर उसके पास ही आश्रम है, उसे सत्य आश्रम कहते हैं या दिव्य आश्रम कहते हैं, आज वो दिव्य आश्रम है। तो वहां भगवान श्री कृष्ण गए और उपमन्यु से पूछा कि सत्यभामा पुत्र चाहती है। तब उपमन्यु कहते हैं, किस भूमि ने ही सत्यभामा का अवतार लिया है, लेकिन इस भूमि पर बहुत सारे लोग ऐसे हुए, नरकासुर जैसे असुर भी हुआ और बहुत सारे पापी लोग, उस पाप का भार ढोती है वो, और इस पाप के कारण उसको पुत्र नहीं हो रहा है। तो फिर इस पाप से छुटकारा कैसे पाया जाए। तब उपमन्यु ने उन्हें पाशुपतास्त्र का विधान बताया, पाशुपतास्त्र दिया, पाशुपतास्त्र का पाशुपतास्त्र को प्रदान करके हुए कहा, यह पाशुपतास्त्र का विधान जो करते हैं या पाशुपतास्त्र जो लेते हैं उसे हे श्री कृष्ण जरूर इस संसार में उसकी इच्छा पूर्ण होती है, और उसको कोई किसी भी तरह की इच्छा हो उसमें से पशु भाव निकल जाता है। पशु भाव का मतलब ये होता है, पशु को मंत्र बोलने नहीं आता, पशु को भाव व्यक्ति नहीं करनी आती। पशु में क्या क्या, पशु में और हमारे में क्या भाव एक तरह के है, आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी नराणाम एक ही समाना, वो भी आहार खाता है, वो भी सोता है, मृत्यु का भय उसमें भी है और मैथुन बच्चों को पैदा वो भी करता है। हमारे में पशु में दोनों का एक समान होना है, लेकिन वो मंत्र नहीं बोल सकता, वो अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ दर्द हो गया, मुझे हाथ दर्द हो गया है, वो नहीं बोल सकता। हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने शब्द ब्रह्म को जाना है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ भाव में आने के बाद इस मानव प्रकृति के होते हुए उसको इस पाशुपतास्त्र का मंत्र यानी पशु तत्व से हट जाना और दिव्य तत्व को प्राप्त करना, इसे इस तत्व को प्राप्त करने के लिए माँ भूमि ने बहुत पाप भार सहा है, और उस पाप को हटाने के लिए उसे तुम पाशुपतास्त्र का प्रयोग करो तो तुम्हें पुत्र होगा। और उपमन्यु से श्री कृष्ण भगवान जैसे ने पाशुपतास्त्र लिया, और तब श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान शिव में भक्ति रहने के लिए मुझे क्या होना चाहिए। तो कैलाश की मिट्टी जो है, कैलाश के कंकर कंकर में शंकर है, यहाँ की अगर तुम मिट्टी को लो और अपने शरीर को लगाओ, भस्म लिपित हो जाओ, तो कृष्ण को तब त्रिपुण ढाटा कर उन्होंने भस्म अपने शरीर को लगाया और पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। यह मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव पुराण में और लिंग पुराण में आप इस अध्याय को देख सकते हैं, जहाँ उपमन्यु से श्री कृष्ण ने भस्म का लगाते हुए पाशुपतास्त्र का प्रयोग सीखा, और जब पाशुपतास्त्र का प्रयोग उन्होंने किया सत्यभामा को पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम सांब कहा गया। और आज हम जम्मू कश्मीर अमरनाथ अगर जाते हैं तो हम सांबा नाम के क्षेत्र जाते हैं, जो कृष्ण के पुत्र का क्षेत्र स्थल कहा जाता है, जिसे सांबा कहते हैं। हम सांबा से ही गुजरते हैं, उसे कृष्ण के सत्यभामा के पुत्र सांब से गुजरते हैं, जो जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है, जो कृष्ण के पुत्र का स्थान कहलाया जाता है। और इस पाशुपतास्त्र के प्रयोग से ही श्री कृष्ण को सांब नाम का पुत्र हुआ था। बाद में श्री कृष्ण ने जब इस युद्ध की घोषणा हुई, कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध की घोषणा हुई और अर्जुन के सारथी बनने की बात हुई, तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं कैलाश पर्वत के पास जाकर पाशुपतास्त्र के प्रयोग से सारे पापों से होकर हमें सांब नाम के पुत्र की प्राप्ति की, जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, अपने में पशुभाव की निवृत्ति करते हुए धर्म युद्ध को चलाने वाला पाशुपतास्त्र तुम अगर भगवान शिव से ले सकते हो तपस्या करते, तो हम इस धर्म युद्ध में जीत सकेंगे। तुम इस पाशुपतास्त्र को पी ले, तपस्या करो। और अर्जुन को वो लेकर इसी दिव्याश्रम में आए और उन्होंने अर्जुन से वो तपस्या करवाई। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि किरात के वेश में शिव जी आए और भगवान अर्जुन का और शिव जी का युद्ध हुआ, और युद्ध में दोनों सम होकर लड़ रहे थे। तब अर्जुन को यह पता नहीं चला कि ये आगे वाला किरात है कौन, तो बाद में कृष्ण ने उस युद्ध को रोकते हुए कहा, ये साक्षात शिव है। और तब अर्जुन के ऊपर संतुष्ट होकर शिव जी ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग श्री कृष्ण को दिया, और श्री कृष्ण उस अस्त्र प्रयोग से ही सारा युद्ध अर्जुन को लेकर जीत सके।
मैं ये बात इसलिए समझा रहा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की देन कहो, जहां से हमने दिव्य रुद्राक्ष लाए हैं। मैं उन सारे साधकों को जो लोग नहीं आए हैं कैलाश मानसरोवर, या आने में झिझक अनुभव करते हैं, या उनमें कुछ अड़चने होंगी, तो भी उस अड़चनों को जाते हुए वे लोग जरूर कैलाश मानसरोवर पहुंचे और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, इस विधान से मैंने ये निर्णय किया कि इस बार उस पाशुपतास्त्र प्रयोग को जो श्री कृष्ण भगवान ने किया है, और स्वयं अनिरुद्ध जिसको चित्रा नाम की लड़की ने, बाणासुर की लड़की ने ले उसको उठा के ले गया था और उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो भी अनिरुद्ध से उन्होंने पाशुपतास्त्र का प्रयोग करते हुए इस कन्या का विवाह होने के लिए भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था। यहां एक बात विचार करने योग्य है, पाशुपत ये अस्त्र प्रयोग है, जो कि यहां आप अगर आप आंध्र में आते हैं तो पाशुपत व्रत नाम का व्रत करते हैं लोग, तो पाशुपत व्रत में और पाशुपत अस्त्र में क्या प्रयोग है? पाशुपत अस्त्र शत्रुओं पर या अपने पापों पर, पापों को नष्ट करने के लिए, हमारे में पशुभाव नष्ट करने के लिए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, और पाशुपत व्रत वो है कि जिसमें हम अपनी इच्छा, मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन पाशुपत व्रत में कोई मंत्र नहीं होता, जबकि यहाँ पाशुपत व्रत में मंत्र करते हुए शिवजी के ऊपर कुछ जल चढ़ाया जाता है। शिवजी के सामने पाशुपत व्रत करने का विधान है, लेकिन उसके ऊपर कुछ चढ़ाने का विधान नहीं है। ये गलती से यहाँ के लोगों को, मैं जो भी पाशुपत व्रत करने वाले हैं उन लोगों का इच्छा या व्रत को पूर्ण करते हुए मैंने देखा नहीं है कि उनके घर में एक इच्छा पूर्ण होती तो कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो पाशुपत व्रत में और पाशुपत अस्त्र प्रयोग में भेद है, ये बात मैंने इससे पहले भी बताई थी। हम पाशुपत व्रत नहीं, मैं पाशुपत अस्त्र की बात कर रहा था जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी, और ऐसा कोई नहीं कि उसके सामने कोई शत्रु टिके, ऐसा कोई नहीं कि उसकी कोई ऐसी बाधा, इस पाशुपत अस्त्र प्रयोग करने के बाद उसकी बाधा रह जाए, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। जब मैं इसको उदाहरण इसीलिए दे रहा था कि कैलाश मानसरोवर जैसे क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जैसे विष्णु अवतार जिनको मानते हैं, उन्होंने स्वयं जब यह प्रयोग किया तो इस प्रयोग की श्रेष्ठता आप जान सकते हैं। मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा के श्रेष्ठ यात्रा के यात्रा से आने के बाद जिस पाशुपतास्त्र प्रयोग के लिए मैं कम से कम 11 से 12 पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पाशुपतास्त्र प्रयोग को जो बहुत कठिन है, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि इस पाशुपतास्त्र प्रयोग को करने वाला मनुष्य 40 दिन सिर्फ केवल दूध पे रहे, एक ग्लास दूध पे, और रोज 101 माला जपे, मुझे आपकी क्षमता मालूम है, आप 2 दिन भी उपवास के साथ अगर एक दिन भी 101 माला नहीं कर सकेंगे, तो मुझे ये ढूंढना पड़ा कि हमारे लोगों को पाशुपतास्त्र प्रयोग जो कम से कम सिद्ध हो, उनको उसका फल मिल सके। मुझे मालूम है 40 दिन तो क्या मेरे सामने एक दिन, अभी एक समय में बोल दिया कि 4 बजे तक भोजन नहीं है तो मुझे खा जाएंगे, ऐसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है। ऐसा ना हो तो अगर मैं बोलूं भूखे 40 दिन रह के आप 101 माला करो, हमारे पास नरेंद्र एडवोकेट जी बाजू में बैठे हुए हैं, उनको अभी या तो नींद आ रही है या तो भूख लगती है, पहले समय पर वे अपने शरीर को बहुत अच्छा पोषण करते हैं, पाशुपतास्त्र प्रयोग उनके ऊपर। अब भी आप बोलेंगे कि गुरुजी उन्हीं के बारे में आप क्यों कहते हैं, वेंकटाचार्य हो ना नरेंद्र जी हो, ये सब मेरे साथ रहने वाले हैं, और क्योंकि पाशुपतास्त्र में सिद्ध होने के कारण अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, आप मेरे साथ होते तो नहीं हो सकते। उनको पहले भोजन बाद में गुरुजी, ये पहले होते गुरुजी भोजन की व्यवस्था। आप बोल समझो, मैं कहीं बोला अपने को शिविर को जा रहे हैं वेंकटाचार्य, अपन जंगल में फलाने छिन्नमस्ता साधना इस बार होली की गया में कर रहा हूँ, बहुत दूर है, वहां नदी के किनारे बैठना है, तो वो पहले ये पूछेगा कि भोजन की व्यवस्था क्या है, वहां कैसा सब ले जाएंगे। अब मुझे बोलना पड़ता है कि भाई पहले तेरे लिए वो व्यवस्था करने के बाद ही मैं वहां ले जाता हूँ, बिना व्यवस्था के नहीं ले जाता, और ये मेरी ही गलती है कि उसको भोजन व्यवस्था करके करके उसको बिगाड़ दिया हूं, अगर नहीं देता तो कम से कम वो तपस्यारत होता था। तो ये बात यूं ही कह रहा था। तो पाशुपतास्त्र प्रयोग के बारे में बताते हुए मैंने ये कहा कि यह अस्त्र प्रयोग ऐसा है कि जो हम केवल एक दिन में या ग्रुप शामृत योग पर हम इस मंत्र का अगर 21,000 जप करते हैं, और हम अगर इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हुए हम हमारे पास उस त्रिशूल को, इस पाशुपतास्त्र का यंत्र है, उसका शिवलिंग है, उसके पास एक दिव्य त्रिशूल और रुद्राक्ष है, इसको रखते हुए जो इस मंत्र को करता है, केवल 21,000 जप करने से
उसकी जो भी मनोकामना है, किसी भी प्रकार का शत्रु हो या किसी प्रकार की ऋणबाधा हो या किसी प्रकार की और बाधाएं हो, अड़चने हो उसके घर में, उन सारे बाधाओं से मुक्त हो जाता है। और वही ये रुद्राक्ष केवल उस पशुपतिनाथ से ही लेके आए हैं हम, जहाँ सिद्ध पेड़ से निकाले हुए, ऐसे नहीं कि कोई उसमें नकली होने की कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि अपने को ज्यादा आजकल सभी मिलावट का धंधा चल रहा है, ऐसा मिलावट नहीं। जब वहां देखा हूं, पशुपतिनाथ से लिया हूं, तभी उन रुद्राक्षों को लेके आने के बाद मैंने उस विधान के साथ जो त्रिशूल सिद्ध करने थे, उस त्रिशूल को सिद्ध करते हुए मैंने शिवलिंग के साथ इस पार्श्वतास्त्र प्रयोग को आप सभी के लिए किया है, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं और सारी बाधाएं, सारी अड़चन दूर हो और आप इस अस्त्र प्रयोग को करें और अपने जीवन में देखें कि यह अस्त्र प्रयोग जब जैसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, भगवान अर्जुन करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई जरूर विशेषता होगी। और भगवान शिव ने जैसे उन भगवान को देते हुए उन्हें आनंदित किया है, भगवान स्वयं विष्णु भगवान के रूप में कृष्ण ने हो और इसके बाद में सारे ऋषियों ने, कितने भी कणाद पुरस्त है, इन सभी ने भी पार्श्वतास्त्र प्रयोग अपने जीवन में किया है और वो करने के बाद ही सिद्ध कहलाएंगे। और पर्टिकुलरली इस प्रयोग के लिए कहा, कहते हैं कि ऐसा कोई जीवन में व्यक्ति नहीं जिसने पार्श्वतास्त्र प्रयोग किया हो और उसके जीवन में वो उसका अड़चन दूर नहीं हुई हो। तो मैं आप सभी को यही बात कहता हूँ कि इस पार्श्वतास्त्र मंत्र प्रयोग को और उसके साथ में साधनाओं के साथ मंत्र और त्रिशूल का विधान उसमें देते हुए रखा है। और आप सभी को कह रहा हूँ कि इस विधान को करने से हम सिद्धाश्रम की जाने के मार्ग को, अड़चन को दूर करते हुए, अपने जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया करते हैं। इस पार्श्वतास्त्र प्रयोग के बारे में और एक दिव्य विधान ये है कि हम गुरु पर्व पर अपने, हर महीने में गुरु पर्व आता है और हर महीने में शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि ने अमावस्या के पहले दिन की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि अलग जो माघ मास में आती है, लेकिन हर मास में शिवरात्रि आती है। वो शिवरात्रि के दिन केवल केवल 21,000 जब 210 माला अगर हम उस पार्श्वतास्त्र पर करते हुए त्रिशूल अपने पास रख लेते हैं अपनी जेब में, आपका किसी भी तरह की आपके जीवन में अड़चन हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे कोई ऋण बाधा हो, चाहे कोई पैसे देने वाले हो, या आपके घर में किसी प्रकार की दूसरी बाधाएं हो और शत्रु सता रहे हो या रोग बाधा हो, केवल उस पार्श्वतास्त्र प्रयोग से ही हम उसे अपने जीवन में सिद्ध होते हुए पाते हैं। मैं आपको ऐसी साधना ही प्रदान करने के लिए जो कैलाश मानसरोवर से होते हुए पशुपतिनाथ से उन दिव्य अस्त्रों को लेकर उसे सिद्ध करते करके ही आपके सामने लाया हूँ। और समय कम होने के कारण मैं आपको यही भी बात बता देता हूँ कि मैं कैलाश मानसरोवर से आया और कैलाश मानसरोवर से आने के बाद आज सिर्फ केवल 6 तारीख को आया हूँ और उसके बाद में मैं 10-11 दिन बोधन में ही रहा और उसके बाद 8 दिन में मुझे ये करना पड़ा। और पार्श्वतास्त्र प्रयोग के आप अगर इतने लोग भी मांगेंगे तो शायद नहीं मिल सकेंगे। मैं बहुत कम पैकेज तैयार किया हूँ इसलिए कि मुझे उससे बाद ज्यादा साधनाएं करने के लिए 8 दिन का समय ही था, ज्यादा नहीं हो सका। और ये सभी लोग एक एक लेने से नहीं जमेगा, आपके फैमिली को एक के हिसाब से ले लो, क्योंकि ज्यादा पैकेज नहीं बनाया हूँ। आप वो ले लेकर अपना पार्श्वतास्त्र प्रयोग के लिए आप रहें तो मैं आपको आज शाम के दिव्य मुहूर्त में 4 से 5 बजे के मुहूर्त में आपको, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जहाँ किरात बनकर शिव जी आकर अर्जुन को उस स्मशान में जहाँ दिव्याश्रम है वहां उन्होंने ये साधना दी थी, उस साधना का विधान और मंत्र मैं 4 से 5 बजे के बीच में आपको बताऊंगा। और जो इस बीच में आपको एक दिव्य अनुभूति के लिए, पहले इसके लिए कि मैं जिस दिव्य अनुभूति को अनुभव किया हूँ, आपको प्रोजेक्टर के रूप में हमारी कैलाश मानसर यात्रा की सीडी तैयार की गई है, वो सीडी आपको हाल में बताएंगे। और आप हाल में देखने के बाद आप मुझसे प्रश्न करना कि मैं एक एक जगह का वर्णन आपको दूंगा, हम किस तरह यात्रा पूर्ण करते हुए आए। और शाम में आपको मैं पार्श्वतास्त्र प्रयोग का मंत्र और विधान बतलाऊंगा आपको, इसके बाद भजन, क्योंकि मुझे पता है अभी 1 बज रहा है। मैंने पूछा कि खाना खाने तैयार हो गया है नहीं हुआ है, तो लोगों ने ये कहा कि अभी तैयार नहीं हुआ है गुरुजी, अब थोड़ा और थोड़ा समय ले लो तो खाना खाने। मैं बोला समय भी मैं नहीं लेता, मेरे लोग भूख से मेरे थे। आप पार्श्वतास्त्र प्रयोग दो या ना दो बात की बात, पहले भूख कंप्लीट करो बाद में अस्त्र प्रयोग। तो मैं आप सभी को इस समय में, इस समय में भोजन के लिए आपको अवकाश दे रहा हूँ, आप भोजन कर लेके पूजनीय माता जी की, पूजनीय हर परिवार की, हर 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 महादेव।
आप सब जहां बैठे हैं वहीं से नमस्कार कर लो। मैं नमस्कार करने का चांस इस बार नहीं देता, कैलाश पर्वत से आने के बाद उसका पुण्य चाहे आप में आ जाता है, ऐसा ही लगा इसलिए रुका हुआ हूं, और वो पुण्य की कमी ज्यादा है।